अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो आइए हम आप लोगों को डिस्कस करते हैं। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? रिड्यूस इटसेल्फ, जो अपने आप को क्या करें, रिड्यूस करें, रिड्यूस इटसेल्फ, जो अपने आप को रिड्यूस करते हैं, जिनकी खुद की रिडक्शन होती है, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरे नंबर पर है वो उनकी रिडक्शन होगी कैसे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन हासिल करने से उनकी रिडक्शन होगी, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट को क्या होते हैं कि जिनकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जिनकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही हो उसको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। अब उनकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन होगी, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसको आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनकी ऑक्सीडेशन होती है, कैसे उनकी रिडक्शन होती है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जिंक है, इसका हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, HCl के साथ हमने रिएक्शन करवाया, तो ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी। अब पहले हम इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं हर एटम का। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि फ्री स्टेट में एटम का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो जीरो होता है जिंक का, और यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट जीरो है, यहाँ पर हाइड्रोजन का प्लस वन है और क्लोरीन का माइनस वन है। इसको याद रखिएगा, हाइड्रोजन का कितना है, प्लस वन है, और क्लोरीन का माइनस वन है। अब यहाँ पर जिंक का प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है और क्लोरीन वैसी के वैसी माइनस वन में, और हाइड्रोजन का यहाँ पर जीरो है। अब इसके बाद इंडिकेशन करते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। ठीक है, अब इधर गौर से देखिए, जिंक है, इसका स्टेट जीरो है, जीरो में से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें, जीरो में से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्लस टू। इसका मतलब है कि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और बढ़ क्यों रहा है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, और इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिससे की ऑक्सीडेशन हो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और इस एग्जांपल में ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, ये हमारे पास क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पर प्लस वन है, ये देखिए इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है, प्लस वन है, और ये प्लस वन किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका मतलब है प्लस वन किस में जा रहा है, जीरो में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, और जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही हो उसकी रिडक्शन हो रही है, खुद अपने आप को क्या कर रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है, और जिसकी रिडक्शन हो रही हो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही हो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल देता हूं, वहां से आप लोगों का एक ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, सोडियम है सॉलिड और साथ में क्लोरीन गैस है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl बन जाता है। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट को मेंशन करता हूं, यहां पर सोडियम सॉलिड स्टेट में इसकी ऑक्सीजन स्टेट जीरो है। हम लोग रूल्स ऑफ ऑक्सीजन स्टेट में पढ़ा है कि कोई भी एटम न्यूट्रल हो या मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो उसका फ्री स्टेट में ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। तो सोडियम का यहाँ पे जीरो है, क्लोरीन का भी यहाँ पे क्या है, जीरो है। अब गौर से देखिए, ये सोडियम है, ये जीरो से कन्वर्ट हो रही है, प्लस वन है, और क्लोरीन का माइनस वन है। जीरो से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस वन में। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, इनमें से इलेक्ट्रॉनों का अखराज हो रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो, मैंने अभी आपको बताया जिसकी क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन की यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है,
जीरो है, जीरो चार किस में जा रहा है, माइनस वन में जा रहा है, जीरो किस में जा रहा है, जीरो माइनस वन में जा रहा है। अब जो माइनस वन में जाए ठीक है, उसकी एक्सिस स्टेट में क्या हो रही है, कमी वाकई हो रही है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी खुद की रिडक्शन हो रही है, इसकी खुद की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और ये किसके तौर पर काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यह काम कर रहा है। यहाँ बात यहाँ पर आप लोगों को बात क्लियर होगी। एक दफा मैं आप लोगों को ये रिव्यू कर देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें अक्सर तौर पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। सिर्फ एक बात याद रखनी, जिस एटम की ऑक्सीडेशन हो रही हो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही हो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी रिडक्शन हो रही हो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बस ये बातें याद रखनी है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो वस्सलाम।